गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर. हाउ टू चेक सैंपल एंड व्हाट आर द पॉइंट्स यू कंसीडर व्हेन यू चेक द सैंपल. सो लेट्स स्टार्ट विद रूबी. सर, हाउ टू चेक सैंपल में हम सबसे पहले विजुअल लुक देखते हैं. विजुअल लुक में हमें देखना होता है कि नेक शेप वगैरह या आर्म होल की फिटिंग और चेस्ट फिटिंग कैसी है लुक, और जो उस पर टॉप स्टिचेस वगैरह लगी हुई हैं, और जहाँ पर हमें बार्टिक लगाना है वो सिक्योर गारमेंट सिक्योर है या नहीं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं. आफ्टर दैट हम फिटिंग चेक करेंगे डमी पर कि डमी पर फिटिंग कैसी आ रही है, उसकी टॉर्किंग वगैरह या ट्विस्ट तो नहीं हो रहा हमारा कोई भी सैंपल है गारमेंट है. फिर अगर अगर टॉर्किंग या ट्विस्टिंग होता है तो हम गाइड भी कर सकते हैं, पैटर्न भी चेक कर सकते हैं. एंड टॉर्किंग और ट्विस्टिंग में पैटर्न सेट नहीं होगा, वो तो कपड़ा टॉर्किंग में नहीं होगा सर. हाँ, कपड़ा ठीक होगा. यस सर. और हम लेबल देख सकते हैं कि लेबल सिक्योर है या नहीं, ये चीजें हमें एक सैंपल चेक करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए. नेक्स्ट. जैसे कि रूबी ने बताया कि मतलब कि हम टॉर्किंग को कंट्रोल करने के लिए. करण, थोड़ा सा इंग्लिश में बात करोगे? कैन यू आंसर इन इंग्लिश? हाउ टू कंट्रोल टॉर्किंग, हम टॉर्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सबसे फर्स्ट. बट करण, दिस इज नॉट द टॉपिक. टॉपिक टॉर्किंग टॉपिक विल बी सेपरेट. तो दिस इज आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू चेक सैंपल और क्या क्या हम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं जब हम एक सैंपल चेक करते हैं. फर्स्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी विजुअल लुक, देन मेजरमेंट्स और फिटिंग. फिटिंग मेजरमेंट्स. हाँ, गुड. एंड डिफेक्ट्स चेक फाइंड आउट करते हैं. डिफेक्ट्स फाइंड आउट. हाँ, ओके. सर, मेनली अगर हम सैंपल टू ऐड, नाउ उसको याद आ गया. हाँ सर, अगर मेनली अगर हम व्हेन वी चेक अ सैंपल तो मेनली बैलेंसिंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू चेक सैंपल. कि फॉर एग्जांपल स्लीव, बोथ स्लीव आर इवन इन अ सैंपल एंड नेक शेप इज ऑल्सो नाइस एंड लुक वाइज इज राउंड. इफ नेक इज राउंड तो वो सेप उसकी राउंड में ही होनी चाहिए और वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए. और व्हेन वी आर गोइंग टू चेस्ट फिटिंग, देयर इज नो ड्रैग्स इन ऑन चेस्ट ऑन आर्म होल आल्सो. और सो यू आर एक्सप्लेनिंग मोर अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज़ अभी वी आर डिस्कसिंग कि हम सैंपल्स में क्या चेक करते हैं. वो फिटिंग में देयर विल बी अनदर टॉपिक, हाउ टू डू फिटिंग. तो आप ये बताएंगे कि हम क्या एक सैंपल चेक करने के लिए व्हाट पॉइंट्स यू चेक एंड हाउ यू प्रोसीड. एक सैंपल कैसे आता है, हाउ यू चेक, ये आपको बताना है. पहले हम जब हमारा सैंपल आता है तो हमारा मेन होता है हम विजुअल देखते हैं कहीं स्टेन तो नहीं लगा कुछ. मतलब फ्लैट करके उसका विजुअल लुक चेक करते हैं. फिर हम डमी फिट चेक करते हैं. डमी फिट में उसकी फिटिंग, उसके नेक, उसका आर्म होल कहीं से टाइट तो नहीं हो रहा, तो हम डमी फिट चेक करते हैं. फिर अगर फिर हमें मेन होता है इसका हम मेजरमेंट भी चेक करते हैं. मेजरमेंट चेक करने के बाद अगर कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं तो हम फैक्ट्री कमेंट्स लिखते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं हम उसकी. गुड, विशाल तुम बोलो. सर, एक सैंपल को चेक करने के लिए हम पहले उसका सैंपल को डमी पे डालेंगे, उसका विजुअल लुक चेक कर लेंगे. चेक करने का उसके नेक शेप, ए जोन वगैरह उसको ठीक होना चाहिए क्योंकि पहले ए जोन ही देखेगा कोई भी. उसका पॉकेट और प्लेकेट वगैरह सब चीज़ें देखने का, उसके SPI वगैरह और उसके वॉश केयर लेबल वगैरह जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सीधी लगी हुई होनी चाहिए. और एंड में सारे मेजरमेंट प्रॉपर होने चाहिए. ठीक है, गुड. खुशबू, तुम भी बताओ.
सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई सैंपल आता है तो हम उसका विजुअल लुक देखते हैं डस्ट पे डालने से पहले, जो हम देख सकते हैं उस पर कोई स्टेन वगैरह भी होनी चाहिए, कोई स्पोर्ट स्पोर्ट मार्क होने चाहिए. कई गारमेंट ऐसे होते हैं जिसमें स्लब वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो एक स्लब भी डिजाइन पर्पज के लिए होता है, पर मोस्टली ये एक डिफेक्ट है अगर ये. और फिर इसके बाद हम डमी पे सैंपल को डाल के देखते हैं सारे उसकी फिटिंग वगैरह ऊपर से लेके मतलब टॉप से लेके बॉटम तक सही आ रही है नहीं आ रही है. फिर उसके बाद हम उसके स्पेक से मेजरमेंट चेक करते हैं कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा होता है तो हम उसमें टैग में कमेंट लिख के फैक्ट्री को भेजते हैं. चलिए.